भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 145 नवनिर्मित शैक्षिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ने का युग समाप्त हो गया है। BIU ने महती भूमिका निभाई है। इन भवनों में पड़ेगी प्रदेश की तरुणाई और इन भवनों में गढ़ा जाएगा मध्य प्रदेश का भविष्य। इन भवनों में पुख्ता होगी स्वर्णिम मध्य प्रदेश के कर्णधारों की नींव। आज बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार शैक्षणिक भवनों को भी शिक्षा विभाग के 497,70,00,000 रुपए की राशि से निर्मित भवनों का लोकार्पण चौहान के घर कमलों से संपन्न हो रहा है। भोपाल के मिंटो हॉल में एक आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 145 शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश में 497 करोड़ की राशि से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन तैयार किए गए हैं। प्रत्येक भवन पर 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक खर्च किए हैं। इसके साथ ही 27 करोड़ से ज्यादा की राशि में कन्या शिक्षा परिसर तैयार किए गए। लोकार्पण के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने का युग समाप्त हो गया है। स्कूल गुणवत्तापूर्ण और आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो ऐसे भवनों का निर्माण हुआ है और यह काम लगातार जारी रहेगा। कोविड काल में आज स्कूल भवनों का हम लोकार्पण कर रहे हैं। कन्या शिक्षा परिसर भी बने हुए हैं। देखिए, शिक्षा हम दें इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा देने का जो स्थान हो, मतलब विद्यालय हो, वो ऐसा हो कि जहां ढंग से बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सके। एक जमाना था कभी जब पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे। हम जब पढ़ते थे तो हमें अपने घर से बस्ता तो ले जाना पड़ता था, एक फट्टी भी ले जानी पड़ती थी। आप भी ले जाते थे अपनी अपनी फट्टी, लेके जाते थे फट्टी, मतलब बिछा के स्कूल में बैठते थे, क्योंकि ना तो पर्याप्त स्थान होता था और ना बैठने की कोई व्यवस्था होती थी। लेकिन अब तेजी से सरकार का ये प्रयास है कि हम भवनों का निर्माण पूर्ण करते जाए। अधिकांश जगह नए भवन बन गए। हमने माध्यमिक जो हमारे स्कूल है वहां सभी भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब हमारी कार्यकाल में हमने बड़ी तेजी से हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाई, और वो बढ़ाई इसलिए कि गांव गांव में ललक थी। हम जहां जाते थे हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी खोलो, और ये मांग बेटियों की तरफ से ज्यादा आती थी, क्योंकि बेटे को तो कोई गांव से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर साइकिल से भी भेज दे स्कूल, लेकिन जब बेटी का मामला आता था तो माता पिता बस 8वीं पास करके हो गई शिक्षा घर बैठ, उसने हमारी बेटियां कम पढ़ पाती थी। हमने संकल्प लिया कि हम तेजी से नए स्कूल भी खोलेंगे। इसलिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल जहां जहां आवश्यकता हुई, मांग आई। अब मैं तो जब दौरा करने जाता था तो बेटियां हर जगह आई जाती थी, मामा हमारे गांव में हाई स्कूल खोलो, हायर सेकेंडरी स्कूल खोलो, और हम लगातार खोलते चले गए। उसके बाद हम अभियान हाथ में लिया है उन स्कूलों के बेहतर भवन बनाने का। मुझे खुशी का स्कूल भवन लगातार बन रहे हैं। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।